वेलकम टू स्टेप अपाइज इन एक्सप्रेस का एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 23 अगस्त है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले से राइटिंग का कोटेशन, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। महात्मा गांधी जी का ये कोटेशन काफ़ी अच्छा है, इसका यूज़ आप जब खुद गांधी जी की बात कर रहे हो तब कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, इनके खुद के जीवन से ही इनके जो विचार हैं वो समझ में आते हैं। इसको आप बताने के लिए ऐसे कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में, 27 तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है, डिटेल्स आपको इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर मिल जाएंगे। साथ ही जो लोग क्लासरूम प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है या उनकी कोचिंग हो चुकी है वो पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं अगर उनको गाइडेंस की आवश्यकता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं, इनको आप देख लें और बाकी की जानकारी आपको कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला आर्टिकल है स्टेटलेस इन आसाम। जीएसटी पेपर वन में सोशल इशूज से एसोसिएट हो जाएगा, एनआरसी की हम बात करेंगे। अभी जो रीसेंट न्यूज़ आई उसके अकॉर्डिंगली असम के चीफ मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग एनआरसी में नहीं आए हैं, लेफ्ट आउट हो गए हैं इस रजिस्टर से, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर एक सुविधा बनाई जाएगी, लेजिस्लेटिव रूट्स को अपनाया जाएगा उनके कंप्लेंट्स को सुनने के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेडलाइन है अभी ये 31 जुलाई को ही इसका पूरा इसकी सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसको आगे बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया था। इशू ये है कि जब पहली बार एनआरसी के ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया तो 40 लाख लोग थे जो इससे बाहर चले गए, यानी कि 40 लाख पीपल को इंडियन सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि एनआरसी में उनका नाम शामिल नहीं था। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रेज होते हैं, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहाँ पर काफ़ी डिबेट डिस्कशंस हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इस पर आना है जो 31 जुलाई से बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया गया है। तो 31 अगस्त की तरफ हम आगे बढ़ ही रहे हैं, हालांकि सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी काफ़ी बातचीत हो रही है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। आपको मालूम होगा 20% जो रीवेरिफिकेशन किया गया है एनआरसी के रजिस्टर का, उसमें 10% तो ऐसे लोग हैं जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में आते हैं, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं, अदर देन जो 10% है वो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं लोग। नाउ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी उनके डायरेक्टिव्स को इग्नोर किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और जिसकी वजह से भी कुछ एक प्रॉब्लम एसोसिएट हुई हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो एक्सक्लूज़न हुआ है, यानी कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं एनआरसी की लिस्ट में, उसमें काफ़ी फ्लॉ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के, एक्सपेक्टेशंस क्या थे, एनआरसी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बाहर से आकर के असम में रह रहे हैं, उनको बाहर भेजना होगा और जो असम के लोग हैं उनके कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, इकोनॉमिकल राइट को प्रोटेक्ट करना होगा। बट जब ये रजिस्टर बना, जब ये तैयार हुआ, तो उसमें एक दिक्कत आई। दिक्कत ये थी कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के लोग थे उनको भी इससे बाहर कर दिया गया, मतलब जो ट्राइबल्स पीपल थे उनको बाहर कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक शक पैदा करता है कि आखिर वो लोग, तो जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं, उनको कैसे इससे एग्जिट किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो रजिस्टर तैयार किया जा रहा है इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, क्योंकि जो लोग इससे एग्जिट हुए हैं वो असम के जो बीच में, यानी असम के हार्ट में जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं वहाँ से, सेंटर में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से लोग इसमें एग्जिट हुए हैं, बल्कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। तो ये सारे डिबेट डिस्कशन के इशूज़ हैं, इस पर अभी और सोचा जा रहा है। यहाँ पर एक जो एस्पेक्ट है वो कम्युनल एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है। कहा जाता है कि 1980 में जब असम मूवमेंट हुआ था, और अगर वो एंटी माइग्रेंट्स पॉलिसीज़ पर बेस्ड था या फिर सेक्युलर वो पूरा मूवमेंट था, तो आज की जो स्थिति है वो कुछ अलग है। क्योंकि भारत में अगर सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसकी बात की जाए तो वहाँ पर थोड़ा पार्शलिटी दिखती है गवर्नमेंट की तरफ से इस रूल्स को बनाने में। उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं दे कैन कम इन इंडिया और वो सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो एक कम्युनल डिवीजन को क्रिएट करता है, अंडरलाइन करता है। तो ये सारे काफ़ी इश्यूज़ हैं जो रेज़ किए गए हैं इस पूरे मुद्दे में। हालांकि अभी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो बात आई है वो थोड़ा रिलीफ पहुंचा रही है। इनका कहना है कि जो लोग एक्सक्लूड हो गए हैं एनआरसी से वो फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, अपना केस दायर कर सकते हैं, उनको सुना जाएगा और वहीं पर केस को फाइल करने का जो टाइम है उसको भी बढ़ाया गया है।
60 दिन से उसको 120 दिन कर दिया गया है। तो लोगों को रिलैक्स पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये है कि हाउ दे विल एड्रेस देयर कंसर्न, जो अनसर्टेनिटी उनके लाइफ में आ गई है, फ्यूचर, उनका फ्यूचर जो अनसर्टेन हो चुका है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस पर बहुत अच्छे से विचार करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है कंटेन द क्राइसिस। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसी से एसोसिएट करें, ये इकोनॉमी पर बेस्ड भी है क्योंकि हम यहाँ पर जो फाइनेंशियल फॉर्म है उसके रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इशू कुछ इस तरीके से है, आर्टिकल में बताया गया है कि जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, DHFL, वो डिफॉल्ट कर गया दिस वीक और 1571 करोड़ रुपए का पूरा अमाउंट था जिसको कि रीपे ना करने की वजह से ये डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो इस तरीके से जब NBFCs घाटे में चल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, ब्रॉडर इकोनॉमीज पर पड़ता है, बिकॉज इसका एक बहुत लिंक है। जो NBFCs हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से क्रेडिट फ्लो होता है, उसका लिंक होता है ब्रॉडर इकोनॉमी से, और जब ये फ्लो, क्रेडिट फ्लो रुक जाएगा, ये कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी, तो इकोनॉमी पर इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में क्या आवश्यकता है, आवश्यकता ये है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए ताकि आगे और दिक्कत ना आए। लेकिन पूरी की पूरी जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ मेकिंग में भी है, ऐसा इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की जा रही है। जो FRDI बिल लाया गया था लास्ट ईयर में, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, 2018 में इसको लाया गया था, जुलाई में ही इवन, लेकिन बाद में इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें कुछ कंसर्निंग इश्यूज थे, कुछ कॉज थे, जो क्लॉज थे वो उसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था, और वो क्लॉज था बेल इन का, ठीक है। तो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल जो लाया गया था, उसके फ्रेमवर्क में काफ़ी दिक्कतें थी। आर्टिकल में डिमांड की जा रही है कि जो आज इंडिया में रेजोल्यूशन लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोसेस है। कोई भी फाइनेंशियल फर्म है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही है, अगर वो परेशानी में आता है, वो लिक्विडेट करने की स्थिति में आता है या उसको अपनी कंपनी को बंद करना होता है, तो ये एग्जिट वाला प्रोसेस या फिर रेजोल्यूशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, उसमें काफ़ी डिले होता है और इस तरीके से जो डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है लगातार, और फिर ऐसे फॉर्म्स के जो फाइनेंशियल फॉर्म्स हैं उनके रिवाइव होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसे में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लिकेट मैटर्स हैं, वो और ज़्यादा अराइज हो जाते हैं इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं तो वो पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसे नहीं होते जो उनको सपोर्ट कर पाएँ, जैसे कि FRDI बिल में लास्ट टाइम बेरियन पैकेज को हटा दिया गया था। बेरियन पैकेज का मतलब होता है कि जब डिपॉजिटर्स पैसे जमा करते हैं किसी भी बैंक में, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो सिक्योरिटी RBI के द्वारा लिया जाता है कि अगर आपका ये बैंक डूबती है तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। या बेल इन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट या जब ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए पैसे सरकार की तरफ से लगाए जाएं, उसको बेल इन पैकेज बोलते हैं। अब जब उसको हटा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं अगर वो खराब स्थिति में जाएंगे, रिस्क में जाएंगे, तो उनको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, उनको मॉनिटर करने के लिए नहीं आएगा, और जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसे पॉलिसीज़ को जब लाया जाता है तो बाकी कंसर्न्स को भी देखा जाना चाहिए, जो रेजोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है उसको स्पीडी बनाया जाना चाहिए। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि हालांकि गवर्नमेंट जो अब स्टेप्स ले रही है, अगर हम ILNFS के रिजोल्यूशन प्रोसेस की ही बात करें, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। ऐसा लग रहा है कि NBFC सेक्टर को गवर्नमेंट उठाना चाहती है और फिर से एक बार इसके इश्यूज को एड्रेस करना चाह रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन आप मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप सोशल जस्टिस से एसोसिएट करें, वुमेन के इशूज़ में भी एसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पर बात ILO के कन्वेंशन की हो रही है जो कि वुमेन के इश्यूज पर है, सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्कप्लेस पर होता है उसको कैसे कर्ब किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट अटेंशन उसको मिलना चाहिए, इसी पर पूरा आर्टिकल बेस्ड है। फॉर अ सेफर वर्ल्ड ऑफ वर्क, देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट इश्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरे आर्टिकल को आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जब ILO में ऐसे कन्वेंशन, ऐसे रूल्स बने, या जब इसको साइन करने की बात आई, तो इंडिया भी उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री था जिसने कि ILO के ट्रीटी को साइन किया था। ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो भी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को, लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है।
तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। और अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जो ILO के कन्वेंशंस आए हैं, जो ट्रीटीज़ आई हैं, उसको फॉलो करने की आवश्यकता है हर कंट्री को इट्सेल्फ। इंडिया की अगर बात करें तो अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट को ऑर्डर भी ये दिया है कि आप अपने यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को इंश्योर करें, जिससे कि पूरा जो ये केस है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसको एग्जामिन किया जा सके और इसको ख़त्म किया जा सके। आगे बताया जा रहा है कि ये जो कन्वेंशन अभी अडॉप्ट किया गया है 108th मीटिंग में, रिसेंटली अभी मीटिंग हुई है ILO की जेनेवा में 10 जून से लेकर के 21 जून तक, उसमें 5700 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। वहीं पर 187 मेंबर स्टेट थे जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया। नाउ ये पहला स्टेप है जब 2011 में ILO के अंतर्गत डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन को लाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो घरेलू यानी कि जो देश में लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, अगर भारत के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर के काम कर रहे हैं तो उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो इस कन्वेंशन को लीगली बाइंडिंग बनाया जा रहा है, जो ऑब्लिगेशंस होगा वो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। नाउ यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है, उसको देखते हैं। इट कवर्स नॉट जस्ट वर्कर्स, इस पूरे कन्वेंशन में सिर्फ वर्कर्स को ही नहीं शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं लोग वही वर्कर्स कहलाएंगे, बल्कि इस लॉ, इस कन्वेंशन के अंतर्गत जो ट्रेनीज़ हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, हर वो व्यक्ति जो जॉब ढूंढ रहा हो या जॉब कर रहा हो या पहले जॉब कर चुका हो, तो उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉज के अंतर्गत। और इवन जो थर्ड पार्टी हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, कुछ क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको भी इन ट्रीटीज़ के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड बैंक का एक डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इन्होंने बताया है कि 189 कंट्रीज़ में सिर्फ 59 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लीगल प्रोविजंस हैं सेक्सुअल हरासमेंट इन एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको कर्व करने के लिए, जो प्रॉपर रूल रेगुलेशंस होने चाहिए वो सिर्फ 59 कंट्रीज़ में है। यानी कि अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लीगल नॉर्म्स का लाया जाना बाकी है। थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कन्वेंशंस के, क्या क्या हैं? पहला ये है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। महिला है या पुरुष है, कोई भी लेबर वर्क है, वर्कर हैं, उनके पास बार्गेनिंग का पूरा अधिकार होना चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि जो फोर्स्ड या कंपलसरी लेबर है वो एलिमिनेट किया जाना चाहिए। तीसरा है चाइल्ड लेबर को कंप्लीट अबॉलिशन करना, अबॉलिश करना। चौथा है टू एलिमिनेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इंडिया को, खास करके जो इंडियन स्टेट है, इतनी बड़ी डाइवर्सिफाई कंट्री है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करती है, तो ILO के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। और एक इमेजिनेटिव अप्रोच यहाँ पर भी दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ILO के कन्वेंशन को ही फॉलो करने की बात नहीं है, बल्कि जो आपका DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।